सभी हेमोग्लू दोस्तों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं अखिल आपके अपने चैनल जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग CSIR नेट मैथमेटिक्स 2021 का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रियल एनालिसिस का पेपर चैप्टर 2 तक कर चुके हैं, पॉइंट सेल टोपोलॉजी तक। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंसेस और नेट। ही नहीं, इवन जहाँ भी आपका हायर मैथमेटिक्स जैम, टिफर, NBHM और भी जहाँ पर UPSC, जहाँ पर भी आपका हायर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आने वाले हैं रियल एनालिसिस से और सीक्वेंस से, वो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सीक्वेंसेस को हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। अगर इससे पहले आपने सीक्वेंसेस पढ़ी है या भूल गए हैं या आपको उसमें डाउट है, आपको कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 12th की थोड़ी मैथ इसमें लगेगी और Chapter 1 आपका थोड़ा सा यूज़ होगा। उसके बाद अगर सीक्वेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले अगर आपने 2 चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं और आप सीक्वेंसेस से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हम लोग बेसिक से लेकर चलेंगे और आपको एक एक पॉइंट पर, बोर्ड पर लिखी हुई एक एक पॉइंट की मीनिंग को समझाते हुए चलेंगे। तो अगर जहाँ भी आपका, जिनके भी एग्ज़ाम में और इंटरव्यू के भी, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सीक्वेंसेस, सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंसेस का डिफिनेशन क्या है, सीक्वेंसेस होती क्या है। ठीक है जी, तो सीक्वेंसेस का डिफिनेशन देखते हैं, क्या कहा गया सीक्वेंसेस के डिफिनेशन में। आ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज कैन बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। क्या कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें अगर आपने Chapter 1 कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। अगर 12th में आपने फंक्शन पढ़ रखा है तो ये डिफिनेशन आपको तुरंत क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आप हमारे लेक्चर में फंक्शंस का Chapter 1 में जाकर फंक्शन वाला लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपको फंक्शन का, डोमेन का, रेंज का आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो थोड़ा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो सीक्वेंस के लिए क्या कहा गया, सीक्वेंस एक फंक्शन ही है हमारा, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर सेट होता है, और रेंज जो होती है वो आपकी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है। देखिए दूसरा डेफिनेशन जो हमने दिया गया है, दूसरा डेफिनेशन में हमने क्या कहा है, अ फंक्शन एन टू एस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ सेट एस। मतलब हमको एक फंक्शन बनाना है, सीक्वेंस कुछ नहीं है, सेट ऑफ फंक्शंस है, फंक्शन है हमारा एक, जिसके जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है और जो रेंज होता है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है जी, अब अगर देखिए तो हम वैसे तो रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही पढ़ेंगे, अदरवाइज इस एस के बिहाफ पर हम सीक्वेंसेस को नाम देंगे। अगर हमारा एस रियल नंबर है तो हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अगर एस हमारा कॉम्प्लेक्स है, सेट हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारा कोई पी एन टाइप का सेट है जहाँ पर एन नेचुरल नंबर है और पी सबसेट है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर आपके एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। और अगर कोई सेट ऑफ फंक्शंस है हमारा एस, तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होगी, सेट ऑफ फंक्शंस होगी। तो सीक्वेंस को डिपेंड करता है कि एस हमारा कैसा है, उस बिहाफ पे हम सीक्वेंस की डिफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो सीक्वेंस की डिफिनेशन आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी बिल्कुल डिफिनेशन है। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है और जो रेंज होता है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है जी, देखिए अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल ए एन से सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं, A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होते हैं, ये सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं। देखिए ये हमने क्या क्या सीक्वेंस में जानते हैं, जब आपने फंक्शन पढ़ा तो फंक्शंस में आप जानते हैं हमारा एक डोमेन होते हैं, एक हमारा कोडोमेन होता है, और जो फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हमारे डोमेन के हर एक एलिमेंट की जो इमेज होती है वो कोडोमेन में मिलती है। तो वो जो इमेज होती है, हम यहाँ पर सीक्वेंस को क्या बोल रहे हैं, फंक्शंस बोल रहे हैं, तो उन इमेज को रखने का हमने एक पैटर्न सीख लिया है जिसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो हम इमेज को रखते हैं रेंज सेट में, जो हमारी इमेज होती हैं वो, उनको रखने का जो पैटर्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो ये A1, A2, A3 ये सब क्या है, ये टर्म्स हैं, मतलब ये पैटर्न एक हमने फॉलो किया है, ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जहाँ ये वैल्यू नहीं है, देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टर्म्स और वैल्यू में डिफरेंस है, टर्म्स हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं और ये कितने होते हैं, क्योंकि इनका डोमेन देखिए कहाँ से आ रहा है, ये
नेचुरल नंबर से, तो जितने भी टर्म्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब वन टू जितना भी नेचुरल नंबर होता है आपके सारे वो डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू सेम हो सकती है भाई। ए वन पे भी, ए टू पे भी, ए थ्री पे भी वैल्यू सेम हो सकती हैं, लेकिन टर्म्स कभी सेम नहीं होते, ये डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये पोजिशंस जो होती हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। तो अब इसके बाद देखिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सीक्वेंस को। हमने एक फंक्शन बनाया नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर, और हमने कुछ ऐसे जिसको डिफाइन किया है f ऑफ n इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखिए, आप नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है वन रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन की पावर वन दैट इज माइनस वन, और फिर टू रखेंगे तो प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, वैल्यू जो है एक एक टर्म के बाद रिपीट हो रही है, लेकिन टर्म्स हमारे क्या हैं, टर्म्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है जी। देखिए हेयर ए ए थ्री ए वन ए थ्री ए फाइव ए टू, सिर्फ इतना देखिए, पहले भी ए वन ए थ्री ए फाइव सब जगह पर वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, लेकिन टर्म्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ए टू ए फोर सिक्स पर, इन टर्म्स पर भी वैल्यू सेम है, लेकिन टर्म्स क्या है हमारे, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो नोट हमारा यहाँ से क्या निकल के आता है कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर और सीक्वेंस ऑफ सेट जो भी बोलेंगे ऑलवेज है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब सीक्वेंस में हमारे जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं और सारे के सारे टर्म्स डिस्टिंक्ट होते हैं। बट अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारी सेम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, जैसे इस फंक्शन में हम देखें तो वैल्यू हमारी रिपीट कर रही थी। अगर हम यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन, तो इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो इस सीक्वेंस में हमारे एक भी टर्म रिपीट नहीं कर रहा है, सॉरी टर्म्स क्या, इस सीक्वेंस में हमारे एक भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, और टर्म्स तो डिस्टिंक्ट होते ही हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस का बेसिक सा डिफिनेशन था। क्या बोला सीक्वेंस को हमने, सीक्वेंस अगर आपसे आज से कोई पूछता है कि सीक्वेंस क्या है, तो आप बोलोगे सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसके डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और रेंज जो होता है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट होता है। डिपेंड करता है, अगर आपसे रियल नंबर्स के लिए कहता है तो सेट रियल नंबर्स का हो जाएगा जो आप डिफिनेशन बोली जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कहे तो आप सेट को कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा, फर्स्ट स्लाइड में हमने सीक्वेंस की डिफिनेशन देखी। अब आगे हम रेंज सेट के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर टू हमारा क्या है, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस का डिफिनेशन देख लिया पॉइंट नंबर वन में। पॉइंट नंबर टू में हम देखेंगे रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है समझ के लिए। देखिए हमने टर्म्स को, वैसे तो टर्म्स का मतलब यहाँ पर दो टर्म्स के मतलब निकल रहे हैं, एक पोजीशन से और एक वैल्यू से, और मैक्सिमम आथर जो है वो आपके वैल्यू टर्म्स का मतलब वैल्यू से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टर्म्स के दोनों वैल्यू मतलब पोजीशन और वैल्यू दोनों लेकर देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या डिस्कशन है इंपॉर्टेंट आपका। इफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बिहेव, देखिए जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है वो बिहेव लाइक का फंक्शन, फंक्शन की तरह बिहेव भी कर रही है और सेट सेट की तरह भी बिहेव कर रही है। सेट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, चैप्टर नंबर वन में हम बहुत अच्छे से करके आए हैं, एक एक चीज को अच्छे से करके आए हैं। तो अगर हम इसको फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं तो ये बताइए, वैसे तो फंक्शन को भी लेकर चलते हैं, लेकिन अगर हम फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई अगर ये फंक्शन है तो लिमिट पॉइंट क्यों निकालते हैं, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालते हैं, निकालते हैं ना, क्या किसी फंक्शन का लिमिट पॉइंट निकालते हैं। अच्छा, इसी का देखिए, अगर हम सीक्वेंस को सेट लेकर चलते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं सेट का क्या, सेट का कोई लिमिट पॉइंट होता है, सॉरी सेट का कोई लिमिट निकालते हैं क्या, नहीं, लेकिन सीक्वेंस का तो हम लिमिट भी निकालते हैं। तो अब बात यह है कि हम सीक्वेंस को फंक्शन लेकर चलते हैं तो आपके पास ये बात आ रही है कि भाई फंक्शन का लिमिट पॉइंट तो नहीं निकालते, और अगर हम सीक्वेंस को सेट लेकर चल रहे हैं तो सेट का हम लिमिट नहीं निकालते, जबकि सीक्वेंस का हम लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों चीज़ें देखते हैं। तो ये हमारी समझ के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया कि वैसे टर्म्स को जो हम भी, अगर हम टर्म्स को पोजिशंस लेकर चलते हैं तो हम उसको सेट बना देते हैं, और अगर हम उसको वैल्यू लेकर चलते हैं तो उसको फंक्शन बना देते हैं। फिलहाल जो हम लोग मैक्सिमम ऑथर जो यूज़ करते हैं वो उसको फंक्शन के रूप में ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो टर्म्स का मतलब क्या समझते हैं, वो टर्म्स का मतलब वैल्यू समझते हैं, ठीक है। तो आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं आना है, सिर्फ सिंपल सा क्या बताना है, सीक्वेंस को आपको फंक्शन ही लेकर चलना है, ठीक है, और टर्म्स का मतलब आपको डिस्टिंक्ट टर्म्स जब भी बोले जाएंगे तो आपको वहाँ वैल्यू से समझना है। तो अब हमारा जो पॉइंट नंबर टू है वो रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस है। रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस सिंपल सी डिफिनेशन है और इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिए। सेट लग गया तो इसका मतलब सेट बनना है, सीक्वेंस का सेट हमें दिखाना, रेंज क्या होता है। तो देखिए अगर वो फंक्शन, जैसे फंक्शन पढ़ा तो फंक्शन में रेंज होता था, फंक्शन में रेंज क्या होता था कि अगर डोमेन का जितने भी एलिमेंट का इमेज जो है, जब को डोमेन बनता था तो जिन जो इमेज का कलेक्शन होता था उसको हम रेंज सेट बोलते थे,
यहाँ पर भी वही हाल है कि जो हमारा सीक्वेंस जो हम बना रहे हैं, तो हम डोमेन क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, और उसके बाद जो भी नाने पट्टी हमारा सेट है तो वहाँ पर हम उसका क्या देख रहे हैं, इमेज की पोजिशन से टर्म्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही बोलेंगे जो हमारी सीक्वेंस है, जो उसके टर्म्स हैं, टर्म्स जो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, और यहाँ टर्म्स का मतलब इससे है वैल्यू से है, उनका ही जो करेक्शन होता है वो हमारा रेंज सेट होता है उस सीक्वेंस का। जैसे अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो हम देख रहे हैं -1 की पावर n है। अब यहाँ पर अगर हम टर्म्स की बात करें तो a1 a2 a3 a4 a5 ये सारे टर्म्स हैं, और टर्म्स पे जो वैल्यू है ये 1 है या तो -1 है। तो अगर इसका हम रेंज सेट बनाने जाएंगे तो रेंज सेट की डिफिनेशन में हमने क्या कहा कि ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स, जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म हो, टर्म्स का मतलब यहाँ क्या है वैल्यू से, तो जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू आपको दिख रहे हैं सीक्वेंस में उनका आप एक कलेक्शन कीजिए और उनका एक सेट बना दीजिए, वो आपका रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है केवल आपको दो ही वैल्यू दिख रही है, 1 -1 1 -1 1 -1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सीक्वेंस का रेंज सेट होगा वो क्या बनकर तैयार होगा, ये -1 और 1, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस हो गया, सिंपल सी डिफिनेशन है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस को सीखने के लिए पहले हमें दो पॉइंट क्लियर करने हैं कि बाउंडेड अबव क्या होता है और बाउंडेड बिलो क्या होता है, ठीक है जी। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है, अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट ए एन इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि सीक्वेंस के ए एन क्या था, सीक्वेंस के टर्म्स थे, तो सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो किसी एक रियल नंबर से क्या हो जाते हैं, लेस और इक्वल हो जाते हैं, सारे के सारे टर्म, जहाँ एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मतलब आप कोई भी ए एन लेंगे वो एक गिवन जो आपका फिक्स देयर एग्जिस्ट एक ऐसा कोई रियल नंबर मिल जाएगा जिससे आपका जो ए एन होगा, a1 a2 an, जो भी आप ले रहे हैं नेचुरल नंबर से, वो उस केस से छोटा हो जाए। मतलब अगर आप, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर अगर हमारा कोई एक ऐसा नंबर के मिल जाता है रियल नंबर जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स या तो छोटे या तो इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है। सिमिलरली डिफिनेशन बाउंडेड बिलो की है कि अगर हमें कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स या तो बराबर या तो बड़े हो जाए, जहाँ पर एन किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, तो हम सीक्वेंस को बोल देंगे कि वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। मतलब सारे के सारे टर्म्स या तो इससे बड़े हों या तो इसके बराबर हों, तब हम कह देंगे सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो है। अब बात आती है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। तो बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या है, ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। इसका मतलब हमें वहाँ पर दो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब नहीं है, दो रियल नंबर मिलेंगे जिनका जो जो ए एन है उन्हीं के बीच में होगा, ठीक है। ये देखिए तो ये डिफिनेशन हमारा क्या बना बाउंडेड सीक्वेंस का, क्या सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर के एन के सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू के एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है, स्मॉल के और कैपिटल के से डिनोट कर दिया गया है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। तो अब अगर अभी एग्जाम्पल करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस के, अभी डिफिनेशन देख लेते हैं। इसके बाद आता है अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर सीक्वेंस हमारी अगर बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो में से कुछ भी एक नहीं है तो हम ओवरऑल सीक्वेंस को अनबाउंडेड बोल देते हैं। तो क्या कहा गया डिफिनेशन, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इज आइदर अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो। या तो वो अनबाउंडेड अबव है या तो फिर अनबाउंडेड बिलो है। मतलब या तो उसको अपर लिमिट में जाते समय कोई एक ऐसा के नहीं मिल पा रहा जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स छोटे या इक्वल हैं, या तो फिर आपका एक ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिल पा रहा जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स इक्वल या तो बड़े हैं। या तो अनबाउंडेड अबव है या तो अनबाउंडेड बिलो है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम अनबाउंडेड सीक्वेंस बोल देते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशंस हो गई। अब हम बाउंडेड सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये दो हमारी सीक्वेंस हैं जिनका एग्जांपल हम देख रहे हैं। देखिए सीक्वेंस जैसे ही मिले या सेट जैसे ही मिले, कभी भी आपको डिफाइन किया गया हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उसके कुछ एलिमेंट्स कुछ टर्म्स को आपको डिफाइन कर लेना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर -1 की पावर 1, हम एक एग्जांपल इसलिए बार बार ले रहे हैं जिससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। इसके बाद हम जब असाइनमेंट करेंगे तो हम अभी इसके बाद ही करेंगे, इसी पर बेस्ड आपके असाइनमेंट होंगे जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ आपके इसी पर होंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं -1 की पावर n है तो क्या टर्म्स बनेगा, पहला टर्म्स 1 -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1, तो ऐसे आपका ये सीक्वेंस बनेगा।
अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट हैं, इसका रेंज सेट अभी हमने पीछे निकाला था, तो अगर इसका हम रेंज सेट की बात करें तो रेंज सेट क्या है, -1 और 1, तो ये हमारी सीक्वेंस कैसी हो गई, बाउंडेड हो गई। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी सीक्वेंस की, अगर इसका टर्म्स बनाते हैं तो जब हम एन की वैल्यू 1 लेंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस का 1, जब वैल्यू 2 लेंगे तो ये बन जाएगा 2, जब 3 लेंगे तो माइनस का 3, और जब 4 लेंगे तो ये माइनस का 4, प्लस का 4, माइनस का 5, डॉट डॉट डॉट, ऐसे सीक्वेंस जा रही है। तो अब अगर हम बात करें तो ये 2, 4 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -1, -3, -5, ये आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो कुछ ना तो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड एबव है, ना तो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो है, तो ओवरऑल हमारी ये सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है जी, तो ये हमारा सीक्वेंस का अच्छे सिंपल सा, तो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल था बाउंडेड सीक्वेंस को पहचानने का। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मोनोटोनसिटी आपका, और इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन तो ज़्यादातर हर कह तो इससे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाता है कि बताइए सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक सीक्वेंस क्या होती है, रेंज सेट क्या होता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती हैं, ये हमें पता करना था, जो हमने इस लेक्चर में देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।